एक अमेरिकी सैन्य विमान जापान के दक्षिणी द्वीप के पास दुर्घटना का शिकार हो गया। इसमें 5 क्रू मेंबर थे और सभी की जान बच गई है। हालांकि 2 मेंबर यहां पर उन्हें घायल हुए हैं, उन्हें हल्की की चोटें आई हैं। इन्हें नेवी के अस्पताल में इस वक्त भर्ती करवाया गया है। अमेरिकी मरीन के अधिकारी ये बताए जा रहे हैं और उनका ये कहना है कि ऑस्प्रे विमान क्रैश हुआ जिसके बाद वो पानी में गिर गया। विमान नागो सिटी के पास क्रैश हुआ। यहाँ के लोग इलाके में अमेरिकी मरीन की मौजूदगी पसंद नहीं करते। इससे एक हफ्ते पहले भी फाइटर जेट क्रैश होने के चलते मरीन पायलट की मौत हुई थी। ये दुर्घटना नागो सिटी के पास हुई है।